माई यूट्यूब फैमिली, आई होप कि तुसा सारी खैर खरीत नाल हो। सो अज समय के पैसा से ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज इतना ही किस्म का इवें है जिमें पाकिस्तान मेले होते रहते हैं पे। इतने तक काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की इंटरटेनमेंट मिल रही है पे, खावन पीवन के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं पे, स्टॉल्स हैं पे, तो इन तक हर तरह के इंटरटेनमेंट मिल सकती है। इवन अगर तुसा बाल ही वे या तुसा बड़े ही वे, तुसा मतलब सारे घर वाले बन के तुसा इंजॉय कर सकते ही वे। तो इतना उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रजेंट किया हुआ है, जिद पाकिस्तान भी है पिया, तो असं तक भी दिखे सौ, तो असं भी देख सौ, तो इकट्ठे इंजॉय करे सौ। तो चलो असं बात हूँ डुलते से। मेरे को ना बचपन तो ही दुनिया की सैर कर बड़ा शौक है, तो यह हम तुसा दुआ करो कि शौक भी पूरा थी वे। लेकिन यह है कि हाल ही तक कोई उनका पता आता कौन है कि कदन शौक पूरा थी सी। लेकिन दुबई के एक ऐसी जगह है जिथे तुसा अपना ही शौक पूरा कर सकते ही वे, तो है ग्लोबल विलेज। वे नॉर्मली सारे पाकिस्तान जो मेले थे उनके पाकिस्तान का ही कल्चर सक दिखेंदे हैं। लेकिन इतना जरा है कम अज कम तक 90 कंट्रीज का कल्चर देखने को मिलता है। तो हूँ वर्ल्ड टूर तो नहीं से बन सकते, लेकिन अपनी दुनिया घूमन की ख्वाहिश अस इतना पूरी जरूर कर सकते हैं। तो अस ये सोच के जरा है ना, अज अस डिसाइड किया है कि अस ग्लोबल विलेज आए से, तो मैं सोचा है कि मैं तुहाड़े नाल भी शेयर करा। कम अज कम ग्लोबल विलेज को इतना जरा है स्टार्ट थे हुए 5 साल थी गए हैं। ग्लोबल विलेज कम अज कम 90 कंट्रीज की सकाफत को तुसा देख सकते ही वे, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पवेलियनस हैं पे, उतना उन्होंने अलहदा अलहदा उन्होंने फूड के जड़े हैं स्टॉल्स हैं पे, उन्होंने उतों जड़िया भी मशहूर चीज़ा हैं पियाँ, जिमें कितों का कपड़ा थी गया, ज्वेलरी थी गई, तो डिफरेंट डिफरेंट जड़ा है पे ना उन्होंने सकाफत को अपने हर अंदाज नाल शो करन दी कोशिश की हुई है। इतना तुसा शॉपिंग इंजॉय कर सकते वे, डिफरेंट फूड्स ट्राई कर सकते ही वे, मतलब एक ही जगह के उत्ते तो इतनी मज़े मज़े दिया चीज़ा देख को इंजॉय करने को मिलती हैं कि हर एज के जड़े हैं पे ना लोग इतना आ सकते हैं, तो इनको इंजॉय कर सकते हैं। इतों का टिकट जोड़ा है पिया वो 15 धर्म का है पिया, तो 15 धर्म के बच्चों इतनी ह्यूज इंटरटेनमेंट मिलती है कि तुरा दिल खुश ही रहता है। तुसा टुरदे टुरदे थक वेसो, लेकिन ये जड़ी है ना तुसा जगह ही नहीं जी कहीं भी पूरी नहीं कर सकते। तो अस इतना आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए वे हैं क्योंकि इतना है पी छुट्टी है पी, तो इन्हों का आज है पिया समझ करो कि 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, जिमें सारा 14 अगस्त आता है उवें इन्हों का इंडिपेंडेंस डे होता रहा है, तो उ करके सारियों को छुट्टी है, तो काफ़ी सारे लोग आए वे हैं इतना। तो ये बहुत ज़्यादा वही जगह है, तो हूँ शाम थीवन पै गई है, तो असं देखते हैं अस कितने कितना मान सकते हैं, तो कड़ी जावं देख सकते हैं। अस पूरी कोशिश करें अस तक सारिया जावं दिखाऊँ, क्योंकि मैं आप ही सारिया जावं देखना चाहती हाँ, तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो। रुबो ते को गाना आंदा है मेले वाला केड़ा, रौनक हो जब घट वे, चल मेले नु चलिए। तुर्की से बजा दिए डुलू। अच्छा, पाकिस्तान पाकिस्तान जैसे ही था बाद ही जैसे पहले ऐसा तुर्की वाले। सब तो पहले ही असा तुर्की पवेलियन गए हास है, जिथा खूबसूरत ज्वेलरी लैम्पस, उतों की आइसक्रीम बड़ी मशहूर है पी, तो असं वो सारिया चीज़ा इंजॉय कीतिया ही पियाँ। अच्छा, नाले नाल तो चीज़ा ही डिफरेंट होंदिया रहनिया हर पवेलियन दियाँ, तो लोगों का तर्ज अमल भी हर पवेलियन डिफरेंट है पिया। तो इतना ना सिर्फ तुसा चीज़ों को इंजॉय करेंदे ही वे, बल्कि लोगों का तर्ज अमल, उन्हों का बिहेवियर, उन्हों का गहल करन का तरीका हर पवेलियन तक ना डिफरेंट देखने को मिलती। उन्होंने सैलिंग ट्रिक्स तक हर जगह के उ डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ सन, तो ये बड़ा ही इंट्रस्टिंग लगता है पिया। तो एकदम तुसा एक कंट्रीज के पवेलियन जड़े वे बह पवेलियन वेंदे वे ना, तो ये तक चीज़ जो है ना सडन चेंज तक बड़ा अच्छा लगता है पिया, तो तुसा बड़ा इंजॉय करेंदे ही वे। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, अगर तुसा भी विजिट करे सो तो आई होप कि तुसा बहुत इंजॉय करे सो। उन्दे तो बाद पाकिस्तान मेरी जान, असं कैसे पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के पवेलियन सब तो मज़े की गल जी है पाकिस्तानी कपड़े, बलासा मनो तो कपड़े ना देखूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। बस सारा तो उतें ही टाइम काफ़ी ज़्यादा असं सर्व कर दिया है, कुछ असं कपड़े खरीदे हैं अम्मी किते, तो कुछ थोड़े बहुत अपने किते कुछ चीज़ा कीतिया ही प्यों तू। तो ये है बाब खैबर, और यहाँ से जो है ना आप डिफरेंट किस्म की फूड ट्राई कर सकते हैं, देसी डिलाइट, ये पाकिस्तानी स्वीट हैं, गुलाब जामुन है, रबड़ी है और गाजर का हलवा है।
यहाँ से मिलेंगे चना चाट और हम लोग ट्राई करेंगे चना चाट और बहुत ही मज़े की, और गोलगप्पे भी हैं, यम्मी। यहाँ से गोलगप्पे, समोसा चाट और हलीम, अब जो है हमारा ये समोसा चाट बन रहा है। वीड ऐड करना है स्वीट? नहीं स्वीट नहीं, आलू चना और इसके ऊपर वो ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, ये तो बहुत मजे का लग रहा है रुआ। देखने में मजे का है तो खाने में तो उससे भी ज्यादा मजे का है। मीठी नहीं, मीठी मीठी नहीं। ओके, आप स्पून दे दे बस, ये सामने स्पून है। ओके ओके, थैंक यू। ये है यहाँ का स्पेशल फलूदा, देखने में तो अच्छा लग रहा है पर इसमें बहुत ही शरबत डाल दिया ने। ट्राई करके देखते हैं कैसे है। असा तो ट्राई किया फलूदा, लेकिन ऑनेस्टली फलूदा बिल्कुल भी चंगा कोठा हाई ते नॉट रिकमेंडेड। अलबत् जरा पेना चाट्स बहुत ही जबरदस्त हैं पे, तो बहुत चंगी हैं पे, तो अगर वेंदे वे तो जरूर ट्राई कर रहे। ग्लोबल विलेज जरा है पिया इतना दुबई के शेख मुहम्मद बिन जैद रोड के उत्ते आता है पिया। हर साल ये थीम पार्क शुरू थींदा है पिया अक्टूबर तो अप्रैल तक, क्योंकि इतना जरा मौसम भी है वो इही लिहाज नाल, क्योंकि अक्टूबर तो अप्रैल तक बहुत ही अच्छा रहा है पिया, जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज इंजॉय कर सकते हैं वे, तो इन वजह तो ये इं अरसे रोज़ जरा है पिया ना एक बजे तो रात एक बजे तक ये जारी रहा है। बाकी यह है कि उन्हें तो बाद असं गए से यमन के पवेलियन के यमन के पवेलियन साकू उतना नज़र आए हैं, पे पता लगे कि डिफरेंट मिसाले उन्होंने शायद बहुत मशहूर हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने जड़ियाँ शॉप्स हैं पी हैं पी गरम मसाले ते डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स ते इस तरह दीज़ा की जड़ी हैं पे ना शॉप्स हैं पी, तो शहद उतों का शायद बहुत ज़्यादा मशहूर है पिया, उन्हें ढेर सारिया शॉप्स हैं पी। असल तो जरूरी नहीं होता कि कई दफ़ा तुम वो चीज़ा खरीद होंदियां, लेकिन बई बे मुल्क दियाँ चीज़ा देखने का भी एक अपना ही मज़ा होता है पिया, उन्होंने सकाफत देखने का अपना ही एक मज़ा होता है पिया। उन्होंने बर्तन बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं पे, छोटी छोटी जड़ियाँ हैं पियाँ, हैंडमेड उन्होंने जड़िया चीज़ा हैं पियाँ वो असा दिखिया हैं पियाँ, तो बहुत ही मज़ा आए, बहुत खूबसूरत हैं पियाँ, असा वो चीज़ा इंजॉय कितिया हैं। इतों असा को कुछ ज्वेलरी पसंद आ गई है यमन आए पवेलियन के असि है, इतना खूबसूरत खूबसूरत अबाया तो उन्होंने सकाफती ड्रेसिज हैं पे, असा वो देख के इंजॉय किए हैं पे। उन्हें तो बाद रुबाब एक ड्रेस जड़ा है और ट्राई भी किया है, तो रुबाब बहुत क्यूट लगती पी है। उन्होंने बनाए हुए हैं, क्योंकि आई थिंक उतना खजूर बहुत ज़्यादा थी इन वजह तो उन्होंने इस तरह के हैंडमेड जड़ियाँ छब्बियाँ होनी हैं, चंगेर होनी हैं, रोटियाँ रखने वाली खजूर के पत्रियाँ दीज़ा बनिया हुई होंगे ना, वो भी बहुत खूबसूरत हैं, पत्थर दियाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ा बनिया हुई हैं। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੱਬੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਆ, ਇੱਧਰੇ ਕੋ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੜੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨੀ ਹੁੱਕੇ ਹੈ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਮਸਾਲੇ ਜਿਊਲਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।
ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ। ਯਮਨ ਦੇ ਆਲੇ ਪਵੀਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਵੀਲੀਅਨ ਵਿੱਚ। ਇਰਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵੀਲੀਅਨ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਲੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਨਫਾਸਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਥੀਵੇ ਨਾ ਥੀਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੰਜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਥੀ ਵਨੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਂਦੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਰ ਥੀ ਵਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਵਤੇ ਹਨ, ਉੱਥਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹਰ ਪਵੀਲੀਅਨ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮੋਰੋਕਨ ਪਵੀਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੋਰੋਕਨ ਪਵੀਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿਸ ਹਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹਨ ਪਏ। ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੋਪ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਇਨ ਵਨ ਪਲੇਸ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਵੰਜੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਵਜੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪਵੀਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਨਾ ਹੈਂਡਮੇਡ ਕਲਰਫੁੱਲ ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਨਫਾਸਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲ ਦੀਦ ਹਨ। ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਗਏ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਲਸ ਹਨ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵੈਸੇ। ਅਤੇ ਬਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਲ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਖੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣੀ ਭਰਾ ਗੱਲ ਵੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਯਾਦ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੇ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੈਂਦੇ ਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੇ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਨ ਹੁਣ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਹੋ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਹਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਈਡਸ ਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਉੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਂ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਦੇ ਹੀ ਵੇ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੀ ਹਾਂ ਬਾਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਈਲ ਡਾਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਖਾ ਸਕੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਭਰਪੂਰ ਇੰਜੋਏ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਖੈਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਜਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ